कि बिहार में नीतीश कुमार जी जब अपराधी लोगों से गठबंधन कर लेंगे और अपराधी पार्टी से गठबंधन कर लेंगे तो बिहार में बचता क्या? कानून का राज खत्म हो गया, गुंडों का राज हो गया, और बिहार जब सरकार में गुंडे शामिल हो गए तो बचा कहाँ? रोज मुजफ्फरपुर हो, मुजफ्फरपुर में पुलिस के छाए में घर पे चढ़ के गोली मारने का काम किया गया, दलित बहन को बेगूसराय में नंगा करके पीटने का काम किया गया, और जदयू के नेता ने ही एक कर्मचारी को नंगा करके पीटने का काम किया। बिहार में लोकतंत्र बचा क्या है? यहाँ तो गुंडा राज हो चुका है, अपराधी का राज है, बालू माफियाओं का राज है। इसलिए यहाँ जमीन लूटने का काम किया जा रहा, अपराधी को बढ़ाने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इसलिए यहाँ कानून का राज पूरी तरफ फेल हो चुका है। नीतीश कुमार जी को एक भी घंटे मुख्यमंत्री बने रहने का कोई कारण नहीं है जिससे कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। बिहार अपराधियों के हाथ में चला गया। कांग्रेस खुले मन से अनाउंस और जदयू के लोगों को पता भी नहीं। अरे जदयू को पता हो नहीं हो, जब कांग्रेस के कृपा से नीतीश कुमार की सरकार चलेगी तो मान नहीं पड़ेगा ना। नीतीश बाबू क्या कर लेंगे? नीतीश बाबू को आदेश मानना पड़ेगा, राहुल बाबा का आदेश, लालू प्रसाद जी का आदेश, अखिलेश सिंह जी का आदेश मानना ही पड़ेगा। ये कर क्या सकते हैं? जिस तरह से देखिए, स्वर्गीय विजय सिंह की जो हत्या हुई है उस पर हमने पटना पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल को आग्रह किया है कि आपने जो जांच प्रक्रिया में जो पूरा मेडिकल पोस्टमार्टम जो हुआ उसमें जो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुए हैं उसके पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराइए, पूरा पोस्टमार्टम का रिपोर्ट उपलब्ध कराइए, क्योंकि हमें सरकार पे भरोसा नहीं है। सरकार शुरू से कहती रही वही पोस्टमार्टम में आया, ये पूरी तरह संदेह है। इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज हाई कोर्ट के द्वारा जांच हो या पटना एम्स को पूरी तरह रेफर करे और इस जांच की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। नीतीश कुमार इस समय मंत्रियों के घर जाने लगे हैं, अशोक चौधरी के घर गए, आज विजय चौधरी के घर गए, ये पहली बात देखने को मिल रहा है। देखिए कमजोर मुख्यमंत्री इसी तरह के होते हैं, कमजोर मुख्यमंत्री को सब जगह जाना पड़ता है, तो जाना ही पड़ेगा ना। देख नहीं रहे, लालू जी के हाथ चरण वंदना करना पड़ता है, राहुल बाबा के पास जाना पड़ता है, तो इसलिए कमजोर मुख्यमंत्रियों को इस तरह जाना भी पड़ेगा।